ये कुआं है जहाँ पर लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए कुएं में छलांग देश दिया था तो 28 बुलेट चलाई थी यहाँ पर। देखो जैसे आप देख रहे हो सारे निशान है, गोलियां गोलियां लगी हुई है यहाँ पर। ये देखो गोलियों के निशान है। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। अब हम जा रहे हैं जलियांवाला बाग। तो जलियांवाला बाग जाने से पहले आप रणजीत सिंह के स्टैचू देखो, कितना बढ़िया लग रहा है। और ये पूरी मार्केट है जिसमें मैंने आपको पहले दिखाई। तो भाई मौसम तो ठीक हो रहा है, वो तो बारिश बारिश वाला मौसम हो रहा है। तो गाइस पूरी मार्केट खुली है, नाइट को नाइट में दिखाई थी सारी शॉप बंद थी, सारी शॉप ओपन है। आगे जलियांवाला बाग के बीच जहाँ से एग्जिट करते हैं वहाँ भी मार्केट बहुत बड़ी, वो भी दिखाऊंगा। और वो अब देख रहे हो जलियांवाला बाग वाला। तो भाई अंदर जा रहे हैं तेरे पास जलियांवाला बाग, अंदर जाके टिकट लेते हैं आपको बताते कितने की टिकट है। ये वो पूरी मार्केट बनी हुई है। चल आए थे ना यहाँ, कल यहाँ आए थे ना। चलो यहाँ अंदर चलते एक बार टिकट लेते हैं। तो गाइस अंदर जा रहे हैं, एंट्री फ्री है बिल्कुल, टाइमिंग है टाइमिंग में। और टाइमिंग क्या थी कल पढ़ी थी हमने? 7:45 कुछ समथिंग। तो गाइस टाइमिंग मैं आपको बता दूंगा, मुझे याद नहीं, टाइम भूल गया मैं, टाइम देखा और जी सब। चलो ये गाइस जो देखो रीडेवलपमेंट जितनी भी हो जाए आपको सब बता। इधर देखो कहाँ जा रहा, देख गंदा बच्चा है ना बिल्कुल। देखो जलियांवाला बाग स्मारक का ये बना हुआ, पहले ये दिखाते हैं आपको। जलियांवाला बाग स्मारक चलते पहले, एंट्री यहाँ से है ना, गैलरी गैलरी बना रखी है। पकड़ लगा यार मेरी सर, तो गाइस इस गैलरी में पंजाब पहले कैसा दिखता था उसके स्ट्रक्चर के बारे में बताया गया पूरा। और जैसे कि आप देख रहे हो वहाँ पर फोटोज लगी हुई हैं पहले पंजाब जैसा दिखता था उस सब की। सो आप जैसे अब ये देख रहे हो ये पूरा पंजाब के बारे में बताया गया है। अब मैं आगे आपको दिखाऊंगा जो मशाल है यहाँ पर। देखो ये मशाल जलाई थी आज़ादी के टाइम पे। क्या है नहीं पकड़ रहे? नहीं नहीं अंकल ले जाएंगे ना। कोई बात नहीं फिर पकड़ मम्मी का, पकड़ो इसको आए। तो कहते हम आगे चलते हैं कुछ और देखते हैं, हैं सेकंड कला है, एक और गैलरी है वो भी देखते हैं। आ जाओ एक और गैलरी गाइस वो भी दिखाते हैं, फिर मैं आपको दिखाऊंगा, फिर मैं आपको मेन चीज़ दिखाऊंगा जहाँ पर गोलियों के निशान है, कुआ है जहाँ पर लोग गिरे थे, वो सब चीज़ें एक बार दिखाता हूँ। एक बार आगे सबसे पहले गैलरी दिखाता हूँ, एक और गैलरी है वहाँ पर क्या क्या चीज़ें वो भी दिखाते हैं। गंदा बच्चा लो जी, सेकंड गैलरी की एंट्री हो रही है यहाँ से। ब्लैक संडे, ब्लैक संडे 6 अप्रैल 1919 को सुबह 7 बजे से 8 बजे तक कह रहे हैं ब्लैक संडे के अंदर किया था। चलते हैं एग्जिट, अब चलते हैं गैलरी नंबर 2 का हॉल नंबर 2। अब तीसरे हॉल में एंट्री करते हैं, यहाँ देखते हैं। हाँ तो भाई ये बता रहा है कैसे गोले चलाई थी यहाँ पर, गोले चलाई थी उनका बता रहे हैं कैसे।
सो गाइस अब मैं आपको वो चीज़ दिखाने वाला हूँ जहाँ पर जनरल डायर के ऑर्डर से गोलियाँ बरसाई गई थी और लोग अपने आप को बचाने के लिए जिस कुएं में कूदे थे, जहाँ कुआ ऊपर तक भर गया था लाशों से, अब मैं वो आपको दिखाने वाला हूँ। और आगे जो बुलेट के निशान हैं, जो गोलियों के निशान हैं, मेन चीज़ जहाँ पर सारे गोली 18-20 गोलियों के निशान हैं, वो मैं अब आपको मेन दिखाने वाला हूँ। तो अब आगे देखना वीडियो। सो गाइस ये कुआ है जहाँ पर लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए कुएं में छलांग मारी थी। ये पूरा कुआ है, दिखाता हूँ अंदर कुछ नजर आता है। अंदर से कुछ नजर नहीं आ रहा। ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा पर यही कुआ है वो, ज़्यादा लोगों ने छलांग मार के अपनी जान बचाने के लिए छलांग मारी थी, बट कोई बच नहीं पाया था। इतने जनरल डायर ने गोलियाँ चलाई थी। अब जगह मैं आपको दिखाता हूँ, अब मैं आपको दिखाता हूँ जनरल डायर ने जो गोलियाँ चलाई थी, गोलियों के निशान कहाँ कहाँ पर है। तो गाइस ये है यहाँ जो गोलियों के निशान बने हैं, यहाँ पर सारी गोलियाँ लगी थी। यहाँ गोली लगी थी अगर ऊपर तक देख रहे हो, बुलेट मार्क सिखा रखे हैं जितने या जनरल मार्क जब गोलियाँ चली थी तो यहाँ पर देखो निशान लगा रखे हैं, यहाँ गोलियाँ लगी थी। सो गाइस जैसे इसमें भी लिखा हुआ है कि 28 बुलेट्स फायर हुई थी जनरल डायर के आदेश से। सो 28 बुलेट्स के यहाँ पर निशान लगे हुए हैं, किसी पे 2 गोलियों के निशान हैं, किसी पे 3 गोलियों के निशान हैं। पूरे 28 गोलियों के बुलेट के निशान हैं जो आपको देखने को मिल रहे हैं। 28 बुलेट होंगे नहीं, 28 लिखा है, 26 एक दो भी है ना। अच्छा दो ये, हाँ हाँ एक साथ आए हैं, वो दो एक साथ, हाँ हाँ। तो 28 बुलेट के निशान है यहाँ पर, दो ये, हाँ 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 दो ये, हाँ चलो आ जाओ। अब मैं आपको दिखाता हूँ मशाल, जो मशाल बना रखी है आगे, वो भी बहुत प्यारी मशाल बनाई है, अब वो दिखाता हूँ। जीजू ने इसका नाम कर दिया चिंटू। आगे देखो ना ना, जीजू को दिखाता हूँ। जीजू ने, जीजू आना मिस हो गया, जीजू आए नहीं। हाँ जीजू नेक्स्ट टाइम प्लान कैंसिल नहीं करोगे? तो भाई ये देखो मेन यहाँ के स्मारक, इसी के वजह से यहाँ पर स्मारक है जो कि पूरा मिसाल टाइप बना रखा है। अरे तो कमल का फूल खिला हुआ है, देखो कमल के फूल खिले हुए हैं। वाओ फिर वाओ, कमल के फूल बना रखे, बना के रखे यहाँ रखे हैं। चलो मीजा बारिश आ जाएगा तेज, चलो मीजा। अच्छा भाई, अच्छा चलो भाई चल दे। वाह वाह वाह, इसके वाह चल रहे हैं, इसको कलम कमल दिख गया ना, इसको वाह वाह हो गई। नीचे बना रहेगा, नीचे बना रहेगा, तो भाई ये देखो गोलियाँ गोलियाँ लगी हुई हैं यहाँ पर, ये देखो गोलियों का निशान है, इनमें नीचे छुपे थे, नीचे भी मारी है गोलियाँ। ओहो बहुत बुरा हुआ यार, कहाँ कहाँ गोलियाँ मारी है, लग रहे हो कोई जगह नहीं छोड़ी उन्होंने। आज भी वो चीज़ें सोचते हैं ना, तो
दिल बहल जाता है क्या हुआ उस समय, है ना, बहल जाता दिल बहल। तुम तो गर्मी में दो रहे हो, सोचो उनके साथ क्या हुआ था, तो चाहे फंस गए थे अंग्रेजों के चक्कर में, ये बुलेट मार्क्स हैं, ये देखे भी हुआ। सो गाइस देख यहाँ भी यहाँ गोलियां लगी हैं, उनके सारे निशान है, बुलेट के निशान है। बारिश आ गई, सारे बुलेट्स के निशान है। वो बारिश आ गई गाइस, देखो मौसम तगड़ी बारिश आ रही है। क्या तू जा बड़ा रेन आ रही है, खड़े हो रेन क्या गिर जाए, रेन आ गई बहुत तेज, तो चलो उठा के भागो। सो गाइस यहाँ पर जो शहीद हुए थे उन सबकी यहाँ समाधियाँ बना रखी हैं, जैसे आप देख रहे हो ये पूरी समाधियाँ बनी हुई है। और इस समय वहाँ पर बारिश बहुत तेज आ गई थी, तो हमें यहाँ से फटाफट निकलना पड़ा बाहर। वो तो जैसे आपको देख रहे हो ये सारी समाधियाँ हैं, है ना, बारिश आ गई, जो शहीद हुए उनके लिए। प्रताप सिंह एग्जिट गाइस, मैंने चले आ गए, ओए रेन आ रही है, रेन आ रही है। तो गाइस मैंने पूरा दर्शन करा दिया, अंदर पूरा दर्शन करा दिया, अंदर पूरा सब कुछ दिखा दिया आपको। अब बाहर निकलते हैं, बारिश आ रही है, ये टाइमिंग लिखी हुई है सारी, आप देख सकते हो सुबह 6:30 बजे खुलता है और शाम को 7 बजे तक। बहुत ज्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी, मैं चाहता नहीं कि सेपरेट वीडियो रहे इसकी, तो जहाँ चलते रात को पार्टी है एक और ब्लॉग बनेगा, तो वो भी आपको शेयर करूँ नेक्स्ट ब्लॉग में आया हो। फिर वही एंड करते हैं भाई, देख के।